रजत क्या चल रहा है? काफी रोमांटिक मूड में दिखाई दे रही, क्या सीक्वेंस चल रहा है उसके बारे में? रजत तो हमेशा ही रोमांटिक रहता है, और ये सीन ऐसा था कि ऑफिस के लिए वो लेट हो रहा है, उसकी वाइफ जो कि अनु है वो रुमाल लेके उसके पास आती है, तो फिर से रोमांटिक हो जाता है, और वो कहता है कि चलो आज मैं छोड़ता हूँ, आज छुट्टी ले लेता हूँ, तो अनु से बोलती है कि आज नहीं आप कल छुट्टी ले लीजिए, तो पूछने पर वो बताती है कि मॉम ने आपके लिए फास्ट रखा है, जो कि एक फंक्शन होता है, वो आपको शो देखने पर पता चलेगा, बट ये सुनते ही उसका मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बिकॉज मॉम के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है पिछले कुछ एपिसोड से, सो वो कहता है कि नहीं छुट्टी मिलना मुश्किल होगा, अनु बोलती है कि आप ट्राई कीजिए, आप मॉम से इतना प्यार करते हैं और मॉम ने आपके लिए इतना कुछ किया है, उन्होंने अगर कोई गलती कर भी दी है उन्हें माफ़ कर दीजिए, रजत कहता है कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनकी सारी अच्छी चीज़ें मुझे याद हैं, लेकिन जो उन्होंने की हैं हरकतें वो भूलना भी मुश्किल है, बट फिर भी वो बोलता है कि लेट्स सी, अगर मिल गई छुट्टी तो मैं ज़रूर लूँगा। अच्छा रजत क्या छुट्टी लेंगे? क्योंकि रजत हमेशा अपने काम को ज्यादातर महत्व देते हैं, काम के आगे किसी का नहीं सुनते, तो क्या छुट्टी लेंगे या फिर? अब उसने अगर प्रॉमिस किया है अनु को तो वो ज़रूर ट्राई करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से वो अपनी मॉम से प्यार तो करता ही है, तो वो ट्राई करेगा, लेकिन शायद जाहिर नहीं होने देगा कि उसने मॉम के लिए ही ली है छुट्टी, वो बोल सकता है कि हाँ अनु ने बोला था इसलिए मैंने छुट्टी ली। और जो मॉम मॉम के साथ आपके खटपट चालू, तो भी क्या अभी सही हो गया सब? मॉम के साथ खिटपिट तो जो थोड़ी बहुत थी वो कम हुई है, जैसे रजत को मेडल मिला उस फंक्शन में भी मॉम को बुलाया, मॉम को उसने थैंक्स भी बोला, उनके बारे में अच्छी चीज़ें भी बोली, तो एक बेटा अपनी मॉम से ज़्यादा देर तो दुखी नहीं रह सकता, मतलब नाराज़ नहीं रह सकता, सो उसी तरह रजत वो चीज़ है, लेकिन जब एक बार प्रॉब्लम आ जाती है किसी रिश्ते में तो उसको थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। रजत जिस तरह से गर्मी चालू है, सेट पे भी काफी एसी खराब हुआ है, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? गर्मियों से बचने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? फैंस को मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ एसी में रहिए ज़्यादा ज़्यादा गर्मी में घूमिए मत, ट्राई टू हैव अ लॉट ऑफ वाटर, और ठंडी चीज़ें खाइए और धूप में ज़्यादा मत घूमिए। आगे का कोई ट्विस्ट आएगा शो में? ट्विस्ट तो हमारे शो में हर दूसरे वीक आता है और ज़रूर आएगा, और ट्विस्ट ही है जो ऑडियंस को बनाए रखते हैं, सो आई होप कि ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहें, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अनुष्का क्या है, रजत को मना रहे, रजत नहीं मान रहे, क्या चल रहा सीन? एक्चुअली मम्मी जी और रजत के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो दूरी आ गई तो उसको मिटाने के लिए अनुष्का कोशिश कर रही है, तो इसलिए उसने वो रजत को मनाने की कोशिश कर रही है कि मम्मी जी ने उनके लिए होई अष्टमी का व्रत रखा है, तो वो छुट्टी ले ले, आ जाए। वैसे वो भी चाहते हैं कि दूरियां मिट जाएं, पर स्टिल एक होता है ना, तो वही दूर करने की कोशिश कर तो रहे क्या हैं। रजत मानेंगे, छुट्टी लेंगे? देखते हैं, अभी अनुष्का ने तो अपनी तरफ से 100% कोशिश की कि ले ले, अभी लेंगे या नहीं लेंगे वो तो उनके ऊपर है। जिस तरह से रजत और उनकी मॉम के साथ मतभेद चालू थे, अनुष्का ने काफी अनुष्का की कोशिश की वजह से थोड़ी काफी हो गई कम हो गई मतभेद, तो क्या आपको लगता है इस वर्ष से और पूरी काफी कम हो जाएगी, बिल्कुल बातचीत चालू बिल्कुल हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अनुष्का चाहती है कि सब अच्छा हो जाए यहाँ पे, सब खुशी, जो घर की खुशी है वो वापस आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छा है। अच्छा अनुष्का, जिस तरह से गर्मी चालू है, सेट पे भी काफी गर्म, एसी खराब हो गया, तो अपने व्यूवर्स को, फैंस को क्या कहना चाहेंगे, गर्मी से बचने के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? गर्मी से तो आप क्या बचोगे, गर्मी जब है तो आपको सहना ही पड़ेगा। हाँ इतना कह सकते हैं कि लाइट कपड़े पहनिए, लाइट फूड खाइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादातर पानी पीजिए बस। अच्छा आगे का ट्विस्ट आएगा शो में? वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हर दिन हमको कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है, हमें भी सेट पे आके पता चलता है, सच बात ये है। पर आप शास्त्री सिस्टर्स देखते रहिए, कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आपको देखने को मिलेगा ही। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो यू। इस कैरेक्टर को कितना एंजॉय कर रही है, इस किरदार को कितना एंजॉय कर रही मैं है? अपने कैरेक्टर को हाँ काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, इट्स वेरी नाइस। बहुत ही यूजुअली मैंने अभी इससे पहले जो किया था वो मैंने पीयू का करा था, जो बहुत नेगेटिव था, और ये आउट एंड